हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये है HW8 अल्ट्रा मैक्स स्मार्ट वॉच, जो कि एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन है और इसका प्राइस काफी अफोर्डेबल है, बट आपको फीचर्स काफी अच्छे मिलने वाले हैं। तो आज इसका फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है और यहाँ पर मैंने काफी सारे स्टेप भी मंगा लिए हैं, जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि कौन सा स्टेप इसके लिए बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो पूरी देखें और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सपोर्ट करें और 50,000 तक जल्दी से पहुंचा दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है जैसा कि ओरिजिनल वॉच में मिलता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अल्ट्रा मैक्स एल्यूमिनियम केस ब्लैक ओशियन बैंड, और इसका साइज है 49 mm। तो यहाँ पर जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है, और इस तरह से इसको ओपन करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यूजर मैनुअल मिल जाती है, और देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफी तगड़ी है और आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिल जाती है इस पर। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल बॉक्स मिल जाता है, और यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो राइट साइड में आपको वॉच रखी हुई मिल जाती है, और लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर एक और बॉक्स दिया गया है। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रैप मिल जाता है और एक चार्जिंग डॉक दिया गया है, जिस पर रखकर आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें बॉक्स में दी गई है, बाकी आते हैं वॉच की तरफ। और देख सकते हैं वॉच देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है। अब इसको ऑन करते हैं और फोन से पेयर करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाले बटन को प्रेस करके होल्ड करना है, और यहाँ पर हेलो लिखा हुआ आ गया है। बाकी देख सकते हैं इसकी जो डिस्प्ले है वो काफी शानदार लग रही है। अब इसमें स्ट्रैप लगाकर देखते हैं कि किस तरह से फिटिंग आती है। बाकी यहाँ पर आपको लॉक भी मिल जाता है, तो इससे क्या होता है कि स्ट्रैप लॉक रहता है और निकलता नहीं है, तो आसानी से स्ट्रैप लग जाता है और फिटिंग काफी अच्छी आपको मिल जाती है इसमें। अब इसको पेयर करते हैं, और पेयर करना काफी ईजी है, बस एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद जाना है ऐड डिवाइस पे, और देख सकते हैं यहाँ पर वॉच आ गई है, इस पर टैप कर देना है और बस आसानी से वॉच पेयर हो जाएगी। बाकी अगर आपको कॉलिंग फीचर यूज करना है तो आपको जाना पड़ेगा ब्लूटूथ सेटिंग में, और वहां से भी वॉच को पेयर करना पड़ेगा, तभी आप कॉलिंग फीचर को यूज कर पाएंगे। तो ये रही वॉच, और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर डिजाइन काफी जबरदस्त है, और आप लोगों को पता है कि एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन है, तो यहाँ पर आपको हूबहू एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसे डिजाइन देखने को मिल जाती है, और कोई भी दूर से देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा कि ओरिजिनल है या फिर फेक वॉच है, इतनी अच्छी आपको डिजाइन मिल जाती है इसमें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको राइट साइड में काफी बड़ी सी करंट बटन मिल जाती है जो कि वर्क करने वाली है, उसके नीचे माइक्रोफोन दिया गया है, और उसके नीचे आपको एक और बटन दी गई है, और इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्शन बटन भी मिल जाती है, और उसके बगल में आपको स्पीकर वेंट दिया गया है। बाकी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर सेंसर्स नहीं मिलते हैं, बस लाइट्स मिलती हैं। तो इस तरह की आपको डिजाइन मिल जाती है, हालांकि इसका जो साइज है वो बड़ा है, तो ये पतली रिस्ट वालों के लिए नहीं है, जिनकी मीडियम साइज की रिस्ट है या फिर बड़ी रिस्ट है, दोनों पे ये काफी मस्त लगने वाली है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी है और देखने में वॉच काफी स्ट्रांग लगती है। बाकी यहाँ पर आपको मेटल बिल्ड मिल जाती है, और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिक का यूज किया गया है, तो बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। रही बात स्ट्रैप की, तो यहाँ पर जो स्ट्रैप दिया गया है बॉक्स में, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, और रिप्लेसेबल स्ट्रैप है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने काफी सारे स्ट्रैप मंगा लिए हैं, जो कि हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि कौन सा स्ट्रैप इसमें बेस्ट लगता है। तो सबसे पहला जो स्ट्रैप है वो है मेटल स्ट्रैप, जो कि काफी लोगों को पसंद आता है, बाकी मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें हेयर फंसते हैं और लगने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है बट उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका वेट काफी ज्यादा है और लगने के बाद वॉच का वेट काफी बढ़ जाता है। दूसरा स्ट्रैप आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है, जो कि फैब्रिक का होता है, और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, और जिन लोगों को ज्यादा एक्टिविटी करनी है उन लोगों के लिए काफी सही होने वाला है। बाकी ये काफी लाइट वेट है, और लगने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है, जो कि काफी मस्त लगता है। तो यहाँ पर इसका जो लुक है वो स्पोर्टी लुक है, और ये स्ट्रैप मुझे काफी पसंद आया। बाकी जो तीसरा और चौथा स्ट्रैप है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और पहला है ओशियन लूप स्ट्रैप, जो कि कुछ इस तरह का आता है और देखने में काफी मस्त लगता है और काफी कंफर्टेबल होता है, बाकी पहनना भी इसको काफी इजी रहता है। बाकी चौथे स्ट्रैप की बात करें तो ये है अल्पाइन लूप स्ट्रैप, और ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर जो लुक आता है वॉच का काफी मस्त आता है, हालांकि इसको पहनने में थोड़ा सा दिक्कत आती है बट दिखने में काफी मस्त लगता है, और पहनने के बाद वॉच गिरने का डर नहीं होता है। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को कौन सा स्टेप बेस्ट लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको इनमें से कोई भी स्टेप परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर ले सकते हैं। बाकी ये एप्पल की ओरिजिनल वॉच में भी लग जाएगा। इसमें IP67 की रेटिंग मिल जाती है, तो लगभग 1 मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज कर सकते हैं, बट मेरी सलाह है कि आप लोग इसको पानी से दूर रखें, हालांकि बारिश में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले पे, तो यहाँ पर आपको काफी बड़ी काफी शानदार क्वालिटी की TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जिसका साइज है 2 इंच का, तो डिस्प्ले काफी बड़ी है, और यहाँ पर आपको HD पैनल मिलता है, तो शार्पनेस काफी अच्छी आपको मिल जाती है। बाकी डिस्प्ले काफी ब्राइट है, तो आउटडोर में आराम से यूज कर सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। रही बात बेजल की, तो यहाँ पर आपको काफी मिनिमल से बेजल देखने को मिल जाते हैं, और एक चीज काफी अच्छी है कि यहाँ पर आपको चारों ओर एक जैसे बेजल मिलते हैं, जो कि देखने में खराब नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर आपको फुल डिस्प्ले मिल जाती है इसमें, उसके साथ इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, बट बैटरी काफी तेजी से ड्रेन होगी, क्योंकि इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिलती है, AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलती है, और यहाँ पर आपको बस एक ही तरह का वॉचफेस मिलता है एनालॉग, दूसरा आपको कोई भी वॉचफेस नहीं मिलता है ऑलवेज ऑन में। बाकी वॉचफेस की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन 7 वॉचफेस मिल जाते हैं वॉच में, और इसमें आप अपना फोटो लगा सकते हैं, और क्वालिटी काफी अच्छी आती है। एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको 100 से भी ज्यादा वॉचफेसेस का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पर वॉचफेस के बारे में आप लोगों को चिंता नहीं करनी है,
उसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लाइव वॉचेस मिल जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी मस्त लगते हैं। बाकी यहाँ पर आपको चार तरह की मेन्यू स्टाइल भी मिल जाती है, पहली है लिस्ट व्यू, दूसरी आपको हनीकॉम स्टाइल मिल जाती है जिसको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के आपको और भी मेन्यू स्टाइल मिल जाती है इसमें, और इसमें आपको रेजिस्ट टू वेक फंक्शन भी मिल जाता है जो कि सुपर फास्ट है, और जैसे फैंड को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी और वापस लेकर जाएंगे डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने मिस किया हो। अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स की, तो चलते हैं इसकी मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, उसके बाद फिटनेस क्लास, और यहाँ पर आपको इंडोर स्पोर्ट्स में जाएंगे तो 5 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। उसके बाद आउटडोर में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 5 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, तो टोटल आपको 10 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं इसमें। उसके बाद यहाँ से आप डेटा वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद एल्टीट्यूड का फीचर दिया गया है, उसके बाद ब्लड प्रेशर, मेट, SpO2, प्रेशर, मैसेज में जाएंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद वी चैट हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर बस नोटिफिकेशन शो होगी, ऐसा नहीं है कि फेसबुक चलेगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर स्टॉपवॉच का फीचर दिया गया है, और फोन में जाएंगे तो यहाँ पर रिसेंट कॉल हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, और डायल पैड का फीचर दिया गया है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको अलार्म का फीचर मिल जाता है, और वहाँ से आप अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद वेदर फोरकास्ट मिल जाता है जहाँ पर आपको 5 दिन का वेदर शो हो जाता है। उसके बाद टाइमर हो गया, और यहाँ पर आपको एक गेम भी मिल जाता है जिसको खेलकर आप टाइम पास कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको बस एक ही गेम मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ऐप स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फालतू की एप्लीकेशन मिल जाती है जो कि किसी काम की नहीं है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर कैमरा शटर हो गया, और यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर का फीचर दिया गया है जहाँ पर आपको वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट का फीचर दिया गया है, और आपको सेटिंग मिल जाती है, और यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, तो इस पर आप आराम से गुणागणित कर सकते हैं। अब चलते हैं सेटिंग में, तो यहाँ पर रिस्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद बेड सेट क्लॉक हो गया, और स्क्रीन ऑफ डायल, तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया गया है। उसके बाद स्क्रीन ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 300 सेकंड्स का मिल जाता है, तो 5 मिनट तक आप डिस्प्ले को ऑन रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं स्क्रीन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर आपको 30 सेकंड्स का मिल जाता है जो कि सही है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज हो गया, टाइम सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, और कॉल सेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ से आप इनकमिंग कॉल वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद म्यूट कर सकते हैं, और डायल वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो यहाँ से वाइब्रेशन को सेट कर सकते हैं, उसके बाद म्यूजिक साउंड और कॉल साउंड को आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर साइट की सेटिंग्स, तो यहाँ पर आपको जो एक्शन बटन दी गई है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और आपका जो फेवरेट फीचर है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसकी। उसके बाद यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब हो गया, और यहाँ पर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। उसके बाद पावर सेविंग मोड, और यहाँ पर आपको पासवर्ड लगाकर वॉच को लॉक करने का फीचर भी दिया गया है जो कि काफ़ी लोगों को चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप QR कोड को देख सकते हैं। उसके बाद अबाउट हो गया, शट डाउन, रीस्टार्ट, फैक्ट्री रीसेट, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी सेंसर नहीं मिलता है, बस LED लाइट्स मिलती है, तो जितने भी हेल्थ वाले फीचर्स है सभी फेक मिलते हैं। हालांकि इसका जो पेडोमीटर है वो अच्छे से वर्क करता है, और मैंने इसको टेस्ट किया तो अगर आप 100 स्टेप्स लेते हैं तो ये 90-95 काउंट कर लेती है, तो इसका स्टेप काउंटर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अब ये कॉलिंग वॉच है तो इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर दिया गया है, और दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्पीकर लाउड है और क्रिस्प आवाज़ आती है, और जब कॉल आता है तो कॉलर का नेम शो होता है, ये मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी यहाँ पर आप अपने 10 कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं, और स्पीकर की क्वालिटी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो कॉल पर आप आराम से बात कर सकते हैं इसमें। बाकी मैसेज के नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का सपोर्ट मिल जाता है, बट हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है। और लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आपको 4-5 लेंथ के मैसेज मिल जाते हैं इसमें। इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। और ऐप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर वेयर फिट प्रो एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आप लोगों को बताया कि एप्लीकेशन अच्छी है बट उसमें बार बार एड्स आती हैं और काफ़ी इरीटेट करती हैं। बाकी वहाँ पर आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि वॉचेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स को वॉच में ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं एप्लीकेशन में। और UI की बात करें तो यहाँ पर UI काफ़ी स्मूथ मिलता है और लैग नहीं करता है। जैसे कि ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर दिया गया है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, और सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं इसमें। उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर दिया गया है, जहाँ से आप रिसेंट ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, और क्राउन को रोटेट करके वॉचेस को चेंज कर सकते हैं। बाकी प्रेस करेंगे तो आप मेन्यू में चले जाएंगे, जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे वाली बटन को प्रेस करेंगे तो भी आप मेन्यू में चले जाएंगे। बाकी इस साइड में जो बटन दी गई है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर को ऐड किया हुआ है, तो इसको टैप करते ही कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का UI दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं लास्ट में इस वॉच के बैटरी बैकअप पे, तो यहाँ पर आपको बस एक दिन का ही बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप कॉलिंग फीचर को यूज़ करते हैं। बाकी अगर आप कॉलिंग फीचर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक है। अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या इसको लेना चाहिए या नहीं। तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 2299 रुपये, और प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई काफ़ी सही वॉच है। खास करके यहाँ पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है काफ़ी अच्छी मिलती है, और डिस्प्ले काफ़ी शानदार है।
लेकिन हाँ ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को फिटनेस के लिए वॉच लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी फिटनेस वाले फीचर्स मिलते हैं ज़्यादातर फेक मिलते हैं, बस इसका पेडोमीटर वर्क करता है। तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को शो ऑफ करना है या फिर फैशन के लिए वॉच लेना चाहते हैं तो काफ़ी सही वॉच है। और अगर आप लोगों को लेना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और अर्बन स्टोर इंडिया एक ट्रस्टेड स्टोर है, तो वहाँ पर आप लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होगा। और अगर आप लोगों को स्टेप परचेस करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को वॉच कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।